नमाज से सलाम फेरने के बाद के अस्कार है जो नमाज अदा करता है, लाजिम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्कार सीखे और उन अस्कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। तो नमाज के बाद के अस्कार हम देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अस्कार थे, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत सोबा में बात करते हैं कि रसूलुल्लाह जब अपनी नमाज खत्म फरमाते तो तीन बार फरमाते, मैं अल्लाह से मगफिरत मांगता हूँ, मैं अल्लाह से मगफिरत मांगता हूँ, मैं अल्लाह ताला से मगफिरत मांगता हूँ। और नमाज के बाद के अस्कार में पहली चीज जिससे सहाबे किराम आपके नमाज के इख्तिताम को समझ लिया करते थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो एक बार अल्लाह अकबर, तीन बार अस्तग़फिरुल्लाह कहना, और फिर आप पढ़ते थे अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक तजल जलाली वल इकराम, ये अल्फाज हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल कुर्सी फर्ज नमाजों के बाद पढ़ा करते थे। हजरत अबू उमामा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसको जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज नहीं रोकती। इतना बड़ा अजर है आयतुल कुर्सी के पढ़ने का, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। और इसी तरह आपके अस्कार में से यह जिक्र भी था, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शयइन कदीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह नमाज से सलाम फेरने के बाद पढ़ते, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए सारी तारीफ है, और वो हर चीज पर कादिर है। गुनाहों से रुकना और इबादत पर कुदरत पाना सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम उसी के हैं। मुस्लिम की रिवायत है 1342 नंबर पे। इसी तरह से नमाज के बाद के कुछ और अस्कार हैं। सईदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद सुबहानअल्लाह 33 बार और अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 33 बार कहे तो ये 99 कलमे होंगे, और पूरे 100 यूं करे कि एक बार यूं पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की सल्तनत है और उसी के लिए सब तारीफ है, और वो हर चीज पर कादिर है, तो उसके गुनाह बख्शे जाते हैं अगरचे दरिया की झाग के बराबर हो, यानी बहुत ज्यादा हो, तब भी अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। तो ये 33 मरतबा सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना। एक और रिवायत से हमें पता चलता है, आपस में लोगों ने कहा कि अल्लाहु अकबर कहना 33 बार है या 34 बार, तो आपस में उनके इख्तिलाफ हुआ, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल से पूछ लेते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा तो आपने फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार ही अल्लाहु अकबर कहना।